हाय या रसूल अल्लाह, हाय या रसूल अल्लाह, आप पे अल्लाह का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज रात हुसैन की बारात है, अनोखी बारात है, नेज़ों पे चढ़ के आ रही है। आज उसने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है, अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, अपनी बोटियों का सिरा बनाया हुआ है, और आज उसकी बारात नेज़ों पे चढ़ के जा रही है। आपकी औलाद को कत्ल कर दिया गया, आपकी बेटियों को कैद कर दिया गया, खुफियों ने कफन नहीं दिया तो तस्फी अलैहा रियाह, हवा को गैरत आई, उसने मिट्टी को उड़ाया और उनको मिट्टी के कफन पहना दिए। और मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, और अली का दर्जा हसन हुसैन से भी ऊंचा है। ये मेरे नबी ने ज़िंदगी में ख़बरें दी, फिर हुसैन को जान देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों अपनी जान का नजराना पेश किया? किस बेदर्दी से उन्हें ज़बह किया गया? और कौन ज़बह करने वाले जो कलमा पढ़ने का दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, और इतनी अजीम हस्ती। एक दफ़ा आपने हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया कि मेरे पास एक फरिश्ता आ रहा है अल्लाह से इजाज़त लेकर, मिलने जो पहले कभी नहीं आया, तो कोई अंदर ना आए। तो उम्मे सलमा पहरे पे खड़ी हो गई। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। वो अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक लिया, रोका तो वो रोने लगे, रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से रोने की आवाज़ आई, छोड़ छोड़ छोड़, रोने की आवाज़ आई। तो जब वो भाग के अंदर गई तो आपने हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसे सीने के साथ ऐसे चिमटाया हुआ था, और इस तरह पूरी पूरा वजूद आपका धड़ धड़ कर रहा था, और आप ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, हिचकियों के साथ रो रहे थे। उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान क्या हुआ? आपने कहा ये जो फरिश्ता मिलने आया है, इसने हुसैन को देखा है तो उसने मुझे बताया है कि आपके इस बच्चे को आपकी उम्मत ज़बह कर देगी, और जिस मिट्टी में इसका खून गिरेगा, उसने यूं हाथ में मिट्टी ला के दिखाई, इसमें आपका खून गिरेगा। और आपने वो मिट्टी हज़रत उम्मे सलमा को दी। और जिस दिन आप शहीद हुए 61 हिजरी जुमे के दिन, तो हज़रत उम्मे सलमा सोई हुई थी, तो असर के करीब सोई हुई थी, तो ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी हैं और आपका रंग उड़ा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से आंसू हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह खैर तो है, क्या हुआ? कहा, हुसैन को शहीद होते देख के आ रहा हूँ। तो उनकी आँख खुली, उन्होंने मिट्टी को उठा के देखा जो बोतल में थी, वो सुर्ख हो चुकी थी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी के हाथ में बड़ी बोतल है, ज़मीन से खून उठा उठा के उसमें डाल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्या कर रहे हैं? कहा, ये मेरे हुसैन और उसके साथियों का खून है, मैं जमा कर रहा हूँ, क़यामत के दिन इनकी वकालत मैं करूँगा अल्लाह के दरबार में, उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मैं हुसैन और उनके साथियों की वकालत करूँगा। ये सबसे ऊँचा घराना, और वो अल्लाह के नाम पर 72 आदमी, सामने 5,000 का लश्कर, जान बचाने के लिए कलमा कुफर भी जायज़, लेकिन एक वक्त आता है कि जान देना जान बचाने से ज़्यादा महबूब बन जाता है। तो आपने उनसे कहा कि मुझे आज रात की मोहलत दे दो। जुमेरात का दिन था, तो उन्होंने समझा शायद ये कल सुलह की बात करेगा। जब शाम हुई तो असर हुई तो आप खैमे के बाहर बैठे थे, तो आपको नींद आ गई, आँख खुली तो आप हंसने लगे। तो
حضرت زینب نے پوچھا، بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں؟ کہنے لگے، بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا. جن کو لینے کے لیے نبی آئے، کیا پروٹوکول ہے؟ آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا؟ کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ آ کے حسین کا استقبال کر رہا ہے؟ تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا رات کو، کہا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نہیں، تم تو میری طفیل میں مارے جاؤ گے. تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ، میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آل رسول کے ساتھ، تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں. سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتیں اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا. بل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے. تو وہ رات سب نے جاگتے گزاری، اور نفلوں میں، دعاؤں میں، رونے دھونے میں. صبح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، 72 لوگ تھے، 42 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے. تو آپ نے رائٹ سائڈ کا جھنڈا دیا زہیر کو اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو، اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو، جو عباس علمدار کہلاتے ہیں، ان کو جھنڈا دیا. اور پھر انہوں نے کہا، دیکھو ہم اب ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک کلمے والے ہیں، لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گے، تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو. میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا، تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر کہنے لگا، ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے. تو کہنے لگے، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. ساتھیوں نے پوچھا، جی کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا، میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے، وہ میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تھی، تو کالے سیاہ رنگ کا تھا، تو اس کے چہرے پر کالے چٹے داغ، بدن پہ کالے چٹے داغ. تو انہوں نے کہا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا. تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے، تو آپ ہنس پڑے. صبح کہنے، اب الموت تو بے فوکو، مجھے موت سے ڈراتا ہے. موت میں تو ہماری راحت چھپی ہوئی ہے. تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے، تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے، جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے. تو شمر نے بکواس کی، مرن واسطے آئیں، انہیں ساڈے سارے مار دے ہونا ہے، ان کو کٹھے حملہ کرو ان پر، اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو. تو 5000 تیر چلے اور 42 گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا، وہ سارے مر گئے، اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے. اور اس کے بعد دو بدو ایک کے سامنے 50 آدمی، کیا مقابلہ تھا؟ گرتے گئے، کٹتے گئے. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، جمعہ کا ہی دن تھا، اور سورج ڈھلا. تو آپ نے دیکھ کر زہیر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے. کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی؟ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے. کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے جب عجیب کیا کریں، ڈیوٹی پر تھا نہیں پڑھ سکا، دکان پہ رش بہت تھا نہیں پڑھ سکا، وہ جی بس ساتھیوں میں بیٹھے گپے مار رہے تھے نہیں پڑھ سکا، گنجائش ہے؟ تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا، نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں بھی. آپ نے کہا پھر چلو آؤ، ادھر آ ستم گر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو. تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسناہٹ ہے، تلواروں کی جھنکار ہے،
नेज़ों की खड़खड़ाहट है और बदन खून से तर बतर हैं। अपने खून से वज़ू किए या करबला की मट्टी से उन्होंने तयम्मुम किया जब उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा होगा तो ज़मीन आसमान में क्या हलचल मची होगी। जब सजदे में सर रखा होगा तो तहत सरा तक ज़मीन की क्या चीखें बुलंद हुई होंगी और फरिश्तों की क्या आहो बुका हुई होगी कि 1443 हिजरी जा रही है, अब 44 आ जाएगी कल। 1443 साल में ऐसी नमाज नहीं पढ़ी गई। करबला क्या कहता है कि अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अमर कर दे। हुसैन आज भी जिंदा है और यजीद का नाम व निशान मिट गया, इबन ज़ियाद का नाम व निशान मिट गया, शिमर का नाम व निशान मिट गया। आखिर करते 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 नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज के बाद फिर सीना सफर हुए, सारे साथी कुर्बान हो गए, अहले बैत बच गए 16। तो आपके बेटे अली अकबर ने कहा अब्बा जान मैं आपको मरता नहीं देख सकता, आप मुझे पहले मरने दें, मैं आपसे पहले जाना चाहता। तो आपने बेटे को रवाना किया, वो तलवारों के नगर में आए और सर धड़ से जुदा हो गया। फिर हज़रत हसन के बेटे अब्दुल्ला आए, कहने गए चाचा मैं भी तुझे मरता नहीं देख सकता, मुझे इजाज़त दे मैं जाऊँ, ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है, ये बकरा नहीं ज़बह हो रहा, ये मेरे नबी की औलाद ज़बह हो रही है। तुम पुलिस वालों को, तुम ताजरों को, तुम ज़मींदारों को, तुम सियासतदानों को, तुम कारोबारियों को, तुम ब्यूरोक्रेसी को, तुम फौज को वो पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह को राज़ी करने में हर सौदा मंजूर है। तो फिर क्या होगा, हुसैन की तरह नाम जिंदा रहेगा और दुनिया के सौदे करने वालों का यजीद की तरह नाम मिट जाएगा। आज उस बदबख्त की कब्र का भी निशान कोई नहीं और हुसैन की कब्र पे सारा सार मेला लगा रहता है और ज़ायरीन का एक रश होता है, लोग पैदल जाते हैं मज़ार शरीफ पर। तो अब्दुल्ला को तलवार पड़ी कंधे पर तो बाजू कट गया, तो उनकी चीख निकली या अम्मा हाय चचा, क्या गुजरी होगी हुसैन के दिल पर, या अम्मा हाय मेरे चचा। तो वो पीछे थे तो ज़ख्मी थे, लेकिन वो शेर की तरह आए थाड़ते हुए और सफ़ों को चीरा और अब्दुल्ला तक पहुँचे तो एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तड़प रहे थे, आखिरी सांस थे। तो आपने कहा भतीजे आज तेरा चचा बड़ा बेबस, आज तेरा चचा बड़ा बेबस, मैं तेरी मदद को नहीं पहुंच सकता। क्या हाल होगा इनका जब ये अल्लाह के नबी के सामने पेश होंगे। फिर आपने उनकी मैयत को उठाया पीछे जाके रखा। फिर अब्दुल्ला बिन जाफर के बेटे ओन और मोहम्मद शहीद, फिर मुस्लिम बिन नकील के बेटे अब्दुर्रहमान और जाफर और अब्दुल्ला शहीद, हसन के बेटे अब्दुल्ला के बाद अबू बकर शहीद हुए, फिर आपके अपने भाई उस्मान जाफ़र मोहम्मद अब्दुल्ला अबू बकर, पांच भाई हज़रत फातिमा की नस्ल से दूसरी बीवियों से वो शहीद हुए, अब्बास और छठे आप शहीद। जब आप आखिरी रह गए तो आपके बेटे थे अब्दुल्ला 2 साल के, आपने कहा अब्दुल्ला को भेज, उसको एक दफ़ा तैयार कर लो, 2 बरस का बच्चा, हमने उसको सीने से लगा, उसको प्यार किया और उसको झोली में बिठा कर उसको ऐसे देख रहे थे कि कूफी लश्कर से इब्न मुवक्किल एक सिपाही था, उसने निशाना लगा कर जो तीर चलाया, तीर ख़ता भी हो सकता था लेकिन वो यहाँ आके लगा या और गर्दन के पार हो गया और अब्दुल्ला की चीख भी ना निकल सकी और यूँ गर्दन ढलक गई, यहाँ मेरे नबी के नवासे पैमाना लबरेज हुआ। आपने दोनों हाथ करके अब्दुल्ला का खून ऐसे अपनी लप में भर लिया
और फिर उसको यूं आसमान की तरफ उठाकर कहा, तू राजी है तो मैं भी राजी, तू राजी है तो मैं। इनसे बदला जरूर लेना। इसके बाद कोई मुसलमान कह सकता है कि मैं औलाद हूं कि तू कमाऊं, हेरा फेरी ना करा, झूठ ना बोला, रिश्वत ना लवा। मैं अपने बच्चों को कहां से खिलाऊं, बच्चे तुम्हारी कब्र में जाएंगे, बीवी तुम्हारी कब्र में जाएगी, अकेले जाऊं, अकेले जाऊं। आपने उस मासूम को लिटाया और फिर खड़े हो गए। अब असर का वक्त आ गया था और आप डोल रहे थे जख्म की वजह से। जिस हस्ती के एक एक जिस्म के हिस्से को नबी ने चूमा हो, आज वही जिस्म तीरों से छलने था और जख्मों से चूर था। आप ऐसे ऐसे डोल रहे थे और लड़ रहे थे तो शिमर ने कहा, आगे बढ़ो और उसका सर उड़ा दो। तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था तो शिमर ने फिर उनको गालियां दी। तो जुरा बिन शरीक तमीमी वो आगे बढ़ा, उसने आपके नेजा मारा, यहां यहां नेजा लगा, पार हो गया। तो आप ऐसे लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। तो शिमर ने कहा, सर काट दो। तो सनान बिन अभी अनस आगे बढ़ा सर काटने के लिए, तो उसके हाथ कांपने लगे, पीछे हट गए। तो खौला बिन यजीद ने उनको उसको गालियाँ निकाली और आगे बढ़कर खंजर निकाला, सर काट, जिस गर्दन के बोझ से मेरे नबी ने लिए, उसको यूं सीने से लगाया था, उसका सर काट, फिर 72 के सर काट दिए, 2 साल के अब्दुल्ला का सर भी काट दी और नेजों पे चढ़ा दी और लाश पे घोड़े दौड़ा दी। तो जब आप आम मुसलमान हैं, आम लोग हैं, हमारी राजपूत फैमिली है, हम अपनी औरतों को पर्दों में लेके चलते हैं, गैर महरम से बचाते हैं। मेरे नबी की बेटियों को खुला खुला कूफियों ने घसीट और मेरा रब देख रहा, मेरे नबी की औलाद पैगाम दे रही है कि अल्लाह से गद्दारी ना करना, चंद टकों पर, चंद दिन की जिंदगी पर अल्लाह से गद्दारी ना करना। तो जब हजरत जैनब ने ऐसे देखा सर नेजों पर, लाशें कटी हुई, तो उन्होंने एक मरसिया पढ़ा, वाह मोहम्मदा वाह मोहम्मदा सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस हाजा हुसैनुन बिल वरा मुजम्मल मुकत्तल अदा वा मोहम्मदा वा मोहम्मद बनातु का सवाया व ज़ुर्रियतु का मुकत्तला तस्फी अलैहा रियाह। हाय या रसूल अल्लाह, हाय या रसूल अल्लाह, आप पे अल्लाह का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो, आज रात हुसैन की बारात है, अनोखी बारात है, नेजों पे चढ़ के आ रही है, आज उसने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है, अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, अपनी बोटियों का सिरा बनाया हुआ है और आज उसकी बारात नेजों पे चढ़ के जा रही है। आपकी औलाद को कत्ल कर दिया गया है, आपकी बेटियों को कैद कर दिया गया, खुफियों ने कफन नहीं दिया तो तस्फी अलैहर रियाह, हवा को गैरत आई, उसने मिट्टी को उड़ाया और उनको मिट्टी के कफन पहना दिए।
मुझसे इस वाक़े की तफसील बयान नहीं होती, मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर चले जाते। एक तो उस किस्से का दर्द मुझे रुलाता है, एक अपने मुसलमानों का दर्द रुलाता है कि जिस उम्मत के पीछे करबला की तारीख हो वो उम्मत क्या कर रहे, चंद पैसों पे ईमान बेच रहे, चंद टकों पे ईमान बेच रहे। तो भाइयों, नया साल आ रहा है, हम तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, और आज हम अपनी ज़िंदगी की नई बुनियाद रखें कि या अल्लाह मैं आज के बाद तेरी मानूंगा, तेरे महबूब की मानूंगा, और जो कुर्बानी आई मैं उसे बर्दाश्त करूँगा।